हेलो फ्रेंड्स, आर्ट एंड बैचेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम के टॉपिक में ढेर सारे ख़त्म कर चुका हूँ। आज मैं आपको उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पार्ट होता है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग के पार्ट में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से मैंने तीन क्वेश्चन मुख्यतः छांटे हुए हैं, तीन तरह के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हाथ मिलाना, गले मिलना, परस्पर उपहार देना, और ये जो लिखा हुआ है सिर और पैर संबंधित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आजकल एक दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं कि हर एग्ज़ाम में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर जो दे दूँगा उससे आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमने आज आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने हाथ मिलाना रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप ज़िंदगी में कभी ना भूलें कि एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल हमारा सूत्र कैसे बनता है। तो देखिए, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है हाथ मिलाने पर आधारित। हमारे इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं इस प्रकार की, किसी पार्टी में 50 लोग उपस्थित हुए, उन सभी ने सभी से एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया एक पार्टी में। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, एक पार्टी में 50 लोग उपस्थित हुए, उन सभी ने एक दूसरे को एक एक ग्रीटिंग कार्ड उपहार स्वरूप दिया, एक दूसरे को उपहार स्वरूप दिया, तो कुल कितने ग्रीटिंग कार्ड उपलब्ध हुए। तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा, उसमें 50 लोग एक मीटिंग में उपलब्ध होंगे और सभी एक दूसरे को 5-5 रुपए का गिफ्ट देते हैं, सभी ने एक दूसरे को दिया, तो वहां पर कुल कितने रुपए के गिफ्ट कलेक्ट हुए। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद है एक दूसरे को गिफ्ट देने का, दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। ये कॉन्सेप्ट है कि जब इसका कॉन्सेप्ट है कि जब दो लोग मिलें और दो लोग के मिलने पर काम की गिनती एक हो, जैसे मैंने अपने सामने वाले से हाथ मिलाया तो सिर्फ एक बार वो गिनती होगी, और जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो मैंने एक उनको दिया, एक उन्होंने हमको दिया, तो वहां पर गिनती दो की होगी। तो इसका जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा एन एन माइनस वन बाई टू। कुल हाथ मिलाने की जो संख्या हमारी आएगी वो आएगी एन एन माइनस वन बाई टू, और जो एक दूसरे को गिफ्ट देने की संख्या आएगी वो इसी का दोगुना हो जाता है, तो एन एन माइनस वन आएगा। दोगुना हो जाने पे ये दो कट जाता है, सिंपल सी बात है। आप इसको हमेशा याद रखिए ऐसे कि ऐसे काम जो दो लोग के मिलने पर हों और एक गिना जाए उसके लिए एन एन माइनस वन बाई टू यूज होगा, और जिन पे दो लोगों के मिलने से दो बार काम किया जाए, मान लीजिए मैंने अपने सामने वाले को एक थप्पड़ मारा, उसने मेरे को एक थप्पड़ मारा, तो गिनती दो होगी। लेकिन अगर हम दोनों लोग मिलते हैं और गले मिल जाते हैं तो गले मिलने की गिनती एक होती है। तो गले मिलने वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, थप्पड़ मारने वाला इसमें आएगा, एन एन माइनस वन लगेगा और एन एन माइनस वन बाई टू होगा। इसको इसमें और सिग्मा एन में कन्फ्यूज कभी मत होइए, सिग्मा एन योग का फार्मूला है, सिग्मा एन 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 प्लस वन होता है, तो वहां पर प्लस होता है। और ये क्या है, दो लोग के मिलने पर गिनती एक की होती है, चीजें कम हो रही हैं, घट रही हैं, तो एन एन माइनस वन का फार्मूला है। तो ऐसे याद रखिएगा, मान लीजिए एक सभा में 100 लोग उपलब्ध हुए, उन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, चलिए तो देख लेते हैं। तो ये 100 × 99/2 ये हो गया 50, 0 × 5 = 45, 5 × 45 4950 बार हाथ मिलाया जाएगा अगर एक सभा में 100 लोग जाते हैं। और अगर एक सभा में 100 लोग जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल कितने गिफ्ट आएंगे, इसी का जस्ट डबल हो जाएगा, 49-50 का जस्ट डबल हो जाएगा। और अगर उन दिए जाने वाले गिफ्ट की कीमत, प्रत्येक गिफ्ट की कीमत 10 रुपए है, तो कुल कितने रुपए के गिफ्ट वहां पर कलेक्ट होंगे, उसमें आप 10 का गुणा कर लीजिए। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं सिर और पैर के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हमको बताया जाता है कि एक भेड़ चराने वाला है या गाय चराने वाला है, उसके पास अगर सिरों की गिनती करी जाए तो कुल सिर इतने आते हैं, अगर पैरों की गिनती की जाए तो इतने आते हैं, तो
तो जितने भी हमारे क्वेश्चन बने हैं आज तक इस पर, उसमें सिर और पैर के लिए बने हुए हैं। कुछ एक चरवाहा है, उसके पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। सिरों की गिनती करी जाए तो इतनी आती है, पैरों की गिनती की जाए तो इतनी आती है। तो देखिए, हमारे पास सिर और पैर दो चीजें हैं, तो हमारे पास कितने समीकरण बनेंगे? दो समीकरण। एक हमारा सिर का समीकरण बनेगा, दूसरा पैर का समीकरण बनेगा। सिरों की संख्या, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसके दो सर हो, सभी के एक सर होते हैं, आंखें सभी के पास दो होती हैं, ठीक। तो सिरों की संख्या, वहां पर उपलब्ध जीव जंतुओं की संख्या या आदमियों या जानवरों की कुल संख्या बताएगी। तो ये हमारी क्या बताएगी, इसको हम कहेंगे क्वांटिटी, मात्रा बताएगी। ये क्वांटिटी या मात्रा हिंदी में कहें हम, कितनी मात्रा में लोग वहां उपलब्ध हैं, कुल कितने लोग उपलब्ध हैं। और पैर हमारे क्या है, ये एक क्वालिटी है। जैसे इंसान की क्वालिटी है कि दो पैर होंगे, गाय की क्वालिटी है चार पैर होंगे, मुर्गी की क्वालिटी है दो पैर होंगे, कोई भी चिड़िया है उसके दो पैर होंगे, जानवर होंगे चार पैर होंगे, तो ये क्वालिटी है। तो आपके पास दो समीकरण बनने हैं, एक क्वांटिटी का और एक क्वालिटी का, क्वालिटी या गुड। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप सीधे से एक क्वालिटी का समीकरण बनाइए और क्वांटिटी का। और बनाते कैसे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, और लिख करके आपको तुरंत समझा देते हैं, ये भी आपके समझ में आ जाए। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के आपके तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक छोटा सा डाटा ले लिए हैं क्वालिटी और क्वांटिटी समझाने के लिए। एक चरवाहा है, उसके पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। अगर उनके सिरों की गिनती करें तो हमारे पास 38 सिर आते हैं, और अगर पैरों की गिनती करें तो 100 पैर आते हैं। कितनी गायें हैं, कितनी मुर्गियां हैं, इस चीज को हमें क्लियर बनाना है। तो सबसे पहले हम जो है, गाय हमारे पास है, मुर्गी है, हम गाय के लिए जी लिख लेते हैं और एम के मुर्गी के लिए एम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो सिरों की संख्या, दोनों के पास एक एक होगी, तो हम लिख सकते हैं जी प्लस एम इक्वल टू 38। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, और ये किस पे हो गया, क्वांटिटी पे हो गया, मात्रा पर हो गया। अब हमारे पैर का इक्वेशन हमको बनाना है, इसी चीज को समझ लीजिए, आपको कभी गलत नहीं होगा। अब हमें क्या लिखना है, गाय। अब गाय के कितने पैर होते हैं, चार होते हैं तो चार से गुणा करेंगे। मुर्गी, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, दो पैर होते हैं तो दो से गुणा करेंगे। ये आपका जो है क्वालिटी का समीकरण बन गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपसे कभी गलती नहीं होने वाली यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2g प्लस m इक्वल टू 50 आ जाएगा, दो से भाग हो जाएगा। तो अगर इस समीकरण से इस समीकरण को घटा दे तो m से m कैंसिल हो गया, 2g से g गया, तो g आ गया, 50 में से 38 12 आ गया। तो हमारे पास गाय कितनी हो गई, 12 हो गई। जब गाय हमारे पास 12 हो गई तो हमारे पास मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी, 38 में से 12 घटा देंगे। तो ये आपका जो है सिर और पैर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन एकदम क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होगा तो आपके अंदर कन्फ्यूजन बनी रहेगी, क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स अपने मन से करिए, जो आपसे नहीं होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है मेरे ग्रुप का, उस ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए क्लिक करके, वहां पर आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स तक मेरे इस कोर्स को, जो मैथ का मैं पूरा कोर्स यहाँ पर चला रहा हूँ फ्री में, इसको पहुँचा दें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो लोग भी, जो लोग दूर रहते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर सकते हैं, मैं उनको यहाँ पर पूरा पढ़ाऊँगा, चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, और कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। ओके, धन्यवाद।